आईपीएल 2020 के 17वें मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक बहुत ही शानदार जीत जो है वो हासिल करी, जहां पर 34 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को ये मैच जो है वो हराया मुंबई इंडियंस की टीम ने। अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आपको क्या लग रहा है कौन था मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा हीरो, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। यहां पर दोस्तों टॉस जो है मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता। पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, 6 रनों पर पहला विकेट मुंबई इंडियंस की टीम ने गवाया, जहां पर रोहित शर्मा काफी जल्दी आउट हुए। लेकिन इसके बाद क्विंटन डिकॉक ने पारी को जो है वो संभाले रखा। अभी तक क्विंटन डिकॉक का बैटिंग जो है हमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस मैच में शानदार उन्होंने बैटिंग करी, 67 रनों की पारी खेली, वो भी सिर्फ 39 गेंदों में। इनका साथ दिया सूर्य कुमार यादव ने, 27 रन बनाए, ईशान किशन ने 31 रन, हार्दिक पंड्या के 28 और कायरन पोलार्ड के 25 रन का योगदान जो है हमें देखने को मिला। और एंड में दोस्तों कुणाल पंड्या ने सिर्फ 4 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली, और इसकी बदौलत 208 रन जो है वो बोर्ड पर खड़े किए मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सभी बॉलर जो है वो काफी महंगे साबित हुए, सिवाय राशिद खान के जिन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग कराई। इसके बाद दोस्तों 209 रनों का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कोई भी अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को नहीं मिली। डेविड वार्नर ने काफी अच्छी पारी खेली, 60 रनों की, वो भी सिर्फ 44 गेंदों में, लेकिन किसी भी प्लेयर ने इनका साथ जो है उस तरीके से नहीं दिया। जॉनी बेस्टो ने 25 रनों की पारी खेली, मनीष पांडे ने 30 रनों की पारी खेली, दोनों को स्टार्ट अच्छी मिली, लेकिन इसका फायदा दोनों ही प्लेयर जो है वो उठा नहीं पाए। केन विलियमसन दोस्तों सिर्फ 3 रन इस मैच में बना पाए, और जब डेविड वार्नर आउट हुए तब 26 गेंदों में 70 रन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को चाहिए थे, और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पूरी तरीके से इस मैच से जो है वो बाहर हो चुकी थी। इसके बाद अब्दुल सामद ने एक आध अच्छे शॉट जरूर लगाए जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे, लेकिन 34 रनों से ये मैच जो है मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने नाम किया। यहाँ पर दोस्तों इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो आ चुकी है पॉइंट्स टेबल के बिल्कुल टॉप पर। तो कमाल की जीत ये मुंबई इंडियंस की टीम के लिए जो है वो हमें देखने को मिली। बात करें दोस्तों इस मैच के मुंबई इंडियंस के हीरो की, तो यहाँ पर क्विंटन डिकॉक जो है इस मैच के हीरो रहे बैटिंग के साथ, जिन्होंने 67 रनों की पारी खेली, वो भी सिर्फ 39 गेंदों में। इस मैच से पहले क्विंटन डिकॉक की बैटिंग के ऊपर काफी सारे सवाल थे। सवाल था कि क्रिस लिन को क्यों नहीं ये टीम खिला रही क्विंटन डिकॉक की जगह पर, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने अपने बैट से जवाब दिया इस मैच में, जहां पर 67 रनों की एक इम्पोर्टेंट पारी, वो भी सिर्फ 39 गेंदों में। इसके अलावा बाकी प्लेयरों ने भी काफी अच्छे अच्छे नॉक खेले, बेशक उन्होंने छोटी पारियां खेली, लेकिन बहुत ही अच्छा उनका रोल रहा, और इसी की वजह से 208 रन जो है टीम ने खड़े किए। वहीं दोस्तों जीत के दूसरे हीरो रहे इस टीम के बॉलर्स, जिन्होंने सभी ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई, 209 रन यहां पर डिफेंड किए, जबकि दोस्तों साझा में हमने देखा है कि 220 230 रन भी डिफेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वहीं 208 रन यहां पर डिफेंड किए मुंबई इंडियंस के बॉलर ने। तो कमाल की जीत ये मुंबई इंडियंस की टीम के लिए रही, और इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस की टीम पहुंच चुकी है टॉप पे, और बहुत ही कमाल का यहां पर सिचुएशन है मुंबई इंडियंस की टीम का आईपीएल 2020 के पॉइंट्स टेबल में। वहीं दोस्तों बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो हैदराबाद की टीम इस हार के साथ थोड़ी सी मुसीबत में जरूर आई है, लेकिन इनकी भी सिचुएशन अभी काफी अच्छी है आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में। आपको क्या लग रहा है दोस्तों कौन सा प्लेयर जो है वो था सबसे बड़ा हीरो मुंबई इंडियंस की टीम के लिए इस जीत का, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।